Yes, और किताबें पढ़नी शुरू कर यस yes, सर तो आपके लगता है ये ठीक स्ट्रेटजी है स्टार्ट करने की तैयारी सर नहीं ये बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं है कि डायरेक्टली आप जंप करो बुक्स के ऊपर क्योंकि बुक्स में बहुत डिटेल में और एक आ, हायर लेवल का वो दिया होता है अगर हमने यूपीएससी की तैयारी को सिर्फ स्टार्ट करना है तो हमें पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमें बुक्स को पढ़ना आता है क्या हमारे पास वो स्किल है क्या हमारे पास वो टूल्स है क्या हमारे पास वो सोच है कि हम इस इन बुक्स को हम पढ़ पाएँ तो अगर नहीं है तो एक स्टूडेंट को एक डेढ़ महीना लगा के अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके फिर रेफरेंस बुक्स को और बुक्स को पकड़ना चाहिए यदि ना भी तो बहुत डिफिकल्ट बच्चा खुद कैसे करे वो कैसे उसको तो पता लगेगा कि मैं स्किल्ड हूँ या नहीं तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें तो सर इसमें क्या है कि मैं बच बच्चे मेरे पास आते हैं तो पहले तो मैं उनको यूपीएससी सिलेबस का है उनका ओवरव्यू देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स है हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो निकाल लेते हैं एन सी आर टी सिक्स से लेके जो ट्वेल्थ तक हैं उसके अंदर सारे जो यूपीएससी के जो टॉपिक्स है जो मेंस में डिटेल में है हर टॉपिक का एक छोटा छोटा बेस एक जो नॉलेज जो बच्चे के पास होनी चाहिए उनके अंदर अवेलेबल है hmm. तो मेरा यही है कि बच्चे पहले एक बार गो थ्रू हो जाए वो एन से और उनको भी कैसे पढ़ना है वो भी एक टेक्निक सीखनी जरूरी है क्योंकि सीधा हमने चैप्टर्स कंज्यूम नहीं करने हैं हमने कॉन्सेप्ट वाइज जो रिक्वायर्ड है हमारे सिलेबस के लिए वो जानना जरूरी है और कौन से क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ वो बच्चे के पास होना चाहिए तो आई टीच स्टूडेंट्स कि हाउ यू हैव टू रीड वॉट यू हैव टू रीड अब तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैडम तो आई थिंक बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे ये के बाद तैयारी सर फीडबैक देते हैं बच्चे कि उनका जो इनफैक्ट ये उनको उनके जो ग्रेजुएशन है या स्कूल में भी जो उनके जो मार्क्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है वो ये वाली टेक्निक्स अपनी नॉर्मल उसके अंदर स्कूल uh, स्टडीज़ या कॉलेज स्टडीज के अंदर भी इम्प्लीमेंट करते हैं एंड दे गेट बेटर और आंसर कैसे लिखना है कैसे स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे कैसे लिखना है ये भी उनको टूल्स uh, जो है स्किल्स जो है मैं सिखाती हूँ